एक चीटिंग डबलिंग का चीटिंग का जो चीराला का रहने वाला है वो डबली डबल अमाउंट डबल करता हूँ तीन महीने में छः महीने बोल के एक साल में बोल के पब्लिक को उल्लू बना के तकरीबन बोझागुट्टा एरिया से 50 लाख करीब अमाउंट चीट करके पब्लिक से लिया। इसका नाम कोंडा वेंकट मुरली कृष्णा है, चीराला का रहने वाला है। इन्हें एक 5 महीने पहले बोझागुट्टा एरिया में फिर के यहाँ पूरे जहाँ पूरे लेबर रहते हैं लोअर क्लास लोग रहते हैं डेली वर्कर्स रहते हैं उनको मिलके मैं इन्वेस्टर हूँ, जो भी मेरे पास इन्वेस्टमेंट करेंगे उनको 6 महीने के अंदर 100 रुपये 1000 रुपये का 2000 रुपये दे तुम बोल के छोटे छोटे लोगों को 1 महीने में दे दिया। पहले कोई 2000 दिए तो उसको 4000 दिया, जो जो भी इन्वेस्टमेंट करते उसको उसका सिल्वर का गिफ्ट देता, चेन देता, ऐसे प्लेट देता, पूरा वो देता। तो पूरे मिडिल क्लास लोग आए, थोड़े उसके बातों में आके लोग इन्वेस्टमेंट करना चालू हो गए। पूरे तकरीबन एक बोझागुट्टा एरिया में 45 से 50 लोग इसके बाद इन्वेस्ट करे, हमारे हिसाब में अब तक एक 50 लाख रुपए लोगों से लिया लोकल एरिया से। तो हमको ये नहीं मालूम था, तो पर 2 दिन के पहले मोहम्मद यूसुफ बोल के जो वही एरिया में रहते उन आके कंप्लेंट करे साहब, एक मुरली कृष्णा बोल के चीराला का है, इन्वेस्टमेंट डबल कर तुम बोल के लिया मेरे को तो 5 लाख रुपए लिया बोल के इन्फॉर्मेशन दिया। तो हम जब वेरीफाई करें तो पूरा एरिया में मालूम हुआ कि एक आदमी आके डबल करके दे तुम बोल के पैसे वसूल कर तुम बोल के बोल रहा बोल के इन्फॉर्मेशन है। तो उसके पास हम कंप्लेंट लेके एक चीटिंग केस रजिस्टर करे, इन पर राजीव नगर केस रजिस्टर करके ऐसे कुमार स्वामी को दिए। तो हम लोकल इंक्वायरी करें तो ऐसा मालूम हुआ एक चीराला का रहने वाला आदमी अब फिलहाल जो सिकंदराबाद में रहता है यहाँ के लोगों के पास इन्वेस्टमेंट में ले लेके जा रहा बोल के इन्फॉर्मेशन था। तो जो भी इंक्वायरी करे हम लोग तकरीबन 40 से 50 लोग जो पैसे दिए आए। तो हम प्लान कर रहे थे, उन्होंने बोले साहब एवरी ट्यूसडे वेडनेसडे यहाँ था बोल के बोले तो कल फिर इन्वेस्टमेंट लेने के लिए फिर एंटर होगा। हम एक प्लान लगा के मफ्टी में लोगों को लगा दिए भोजागुट्टा में, आते उसको हम पकड़ लिए। उसके बाद पूछे तो क्या उन्हें खूब लिया जो भी हाउस साहब मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ डबल देते मिल करता हूँ, उसका खता पता कुछ भी नहीं बोला। सर्च करते उसके पास प्रेजेंट में एक 4 लाख रुपये प्रेजेंट में मिले, उसके पास 4 लाख रुपये जेब में मिले जो वसूल करा उधर उधर में, और उसके पास गोल्ड चेन है पूरे ये चेन डाल के रहता हमेशा चेन वो दिखते दिखना कि ये बड़ा शरीफ आदमी है बड़ा दिखने के लिए चेना डाल लेता, इतने चेना डाल लेता, अंगूठे लगा लेता उन्हें पूरे पूरे अंगूठे रहते हैं आपके जरा देखो आप कैसे रहते हैं अंगूठे लगाए तो सेट कैसे दिखता हूँ सेट कैसे हाँ मतलब गोल्ड है इस तरह वो तकरीबन 24 तुला दे पूरे मिल के। हाँ तो हम उसको पकड़ लिए, इन्हें सिकंदराबाद में एक लॉज में रह रहा, इमीडिएट हम लॉज को ले पूरा रेड करे, रेड में पूरा मिला कि हमको 12,30,000 रुपये मिले उसके पास। उन्होंने कबूल कराओ साहब मैं इन्वेस्टमेंट के पैसे पूरे बोल के बोला, और जो भी गोल्ड ले ये पैसे खरीदूँ बोल के बोला। तो ये पैसे भी सीज करे, ये गोल्ड सीज करे 24 तुले का गोल्ड ऑर्नामेंट्स और सिल्वर ऑर्नामेंट भी सीज करे इसको, इसको रिमांड करने वाले हैं। तकरीबन हमारे हिसाब में 50 लाख का चीटिंग करा है भोजागुट्टा में, तकरीबन 50 लाख इन्वेस्टमेंट एक साल में डबल दे दूँ बोल के बोला। बैंक वाले अपन 1 लाख रुपये दिए तो अपने 6,000 रुपये दिए थे एक साल के बाद, इन्हें बोला बैंक को कहा जाते आप 1 लाख दो 2 लाख लो बोल के लोगों को उल्लू बना दिया पैसे ले लिया। और तकरीबन उन्हें अभी 40 लाख रुपये इसलिए रिकवर करने का है अपने को, और उसको हम पुलिस कस्टडी लेंगे, चीराला जाएंगे, कहाँ कहाँ करा करेंगे। और पब्लिक से हमारी ये गुजारिश है जो भी इसके हाथ में चीटिंग हुआ गया जो भी विक्टिम्स है इस पर राशिफ नगर वेंकटेश्वर को या ऐसे कुमार स्वामी को आके रिपोर्ट करना, उसको हम जस्टिस दिलाएंगे। साहब ये 5 महीने हुआ भोजागुट्टा में, पूरे लोग आ रहे थे शरीफ लोग आ रहे थे सुबह उठ के काम कर लेते, डबल बेडरूम जहाँ बन रहा पूरे लोग झोपड़े में रहते उसकी बात सुन के पैसे दे दिए। इन्हें पूरे 6 अंगूठे लगा दिया था पूरे 2 चेन। हाँ किस तरह का बिजनेस बताता सर? इन्वेस्टमेंट बोलते हैं इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट डबल इन्वेस्ट कर रहा हूँ डबल दे तो बोला इन्वेस्टमेंट कर ले रहा हूँ मैं दिया तो मैं डबल देता हूँ जो 1,000 रुपये देते चेंज देता हूँ। जैसा मोहम्मद यूसुफ 5 लाख रुपये दिए सर। हाँ वो साहब को क्या दिया ना 5 लाख दिए ना, एक अंगूठा दिए उनको और एक सिल्वर का कुछ दिए इन्वेस्टमेंट वो तो गिफ्ट दिए ऐसा पहले गिफ्ट देते उन्होंने पहले तो लोग गिफ्ट भी आ गया बोल के खुशी से डाल देते पैसे। कोई भी इतने लोगों में से कोई भी एक एग्रीमेंट वगैरह या कुछ भी ऐसा पैसे लिए उनके नहीं पूरा
तुम्हारा अमाउंट इतना है, तुम्हारे एक साल के बाद तुम्हारे 15,000 की 30,000 आते तुम्हें, बस ऐसा लिख दिया था। उसके अंदर और सामने आए आपके, क्या उनका कुछ बयान दे रहे सर? कितने लोग सामने, कितने बच्चे हैं?